ईडी के पास कुछ भी नहीं मिला। सत्येन जैन को इतने दिनों तक उन्होंने अपनी कस्टडी में रखा, पूछताछ की, कुछ हासिल नहीं हुआ तो उनके परिवार को हैरेसमेंट करने के लिए पहुंच गए। घर में पत्नी, बच्चे और सारे ईडी के ऑफिसर्स घंटों घंटे बैठे रहे, मतलब पूरा एक दिन बैठे रहे, 24 घंटे कह लीजिए कि आप बैठे रहे। क्या निकला? कल से क्या हल्ला मचाया जा रहा है? इतने करोड़ मिल गए, इतनी ज्वेलरी मिल गई, इतना हो गया। और भाजपाइयों को मैं कहूंगा कि कुछ पढ़ लिख लिया करो, थोड़ा अपने दिमाग पे भी जोर दिया करो। ऐसे बुद्धिहीनों की तरह आरोप लगाने के लिए आ जाते हो, सिर्फ आरोप लगाने के लिए आ जाते हो, तो ऐसा लगता है कि सारा कार्यक्रम प्रायोजित है। ऐसा लगता है कि ईडी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से चल रही है। आप मुझे बताइए, सत्येन जैन के घर पे 2,79,000 रुपए निकला जो ईडी के कागज कह रहे हैं, और उसको सीज नहीं किया गया क्योंकि वो अकाउंटेड मनी थी, ईमानदारी का पैसा था। अब किसी ज्वेलर के यहां, किसी जैन के यहां क्या मिला उसको लेके पूरा कि सत्येन जैन इस्तीफा दे, सत्येन जैन सूली पे चढ़ा दिए जाए, सत्येन जैन पे तो ये कार्रवाई होनी चाहिए, वो कार्रवाई होनी चाहिए। अरे भाजपाइयों को मैं याद दिलाना चाहता हूं, सत्येन जैन वही व्यक्ति है जिनकी तारीफ उस समय के नगर विकास मंत्री वेंकैया नायडू जी ने की थी। 250 करोड़ का पुल 150 करोड़ रुपए में उन्होंने बनाया था। सत्येन जैन वो व्यक्ति हैं, 20 लाख रुपए का मोहल्ला क्लिनिक बनाने का एक मॉडल दिया दिल्ली के अंदर, जिसकी चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है। आज उस व्यक्ति के ऊपर जो भी मन में आ रहा है दिन रात आरोप लगा रहे हो आप, बगैर सिर पैर के आरोप लगा रहे हो। 8 साल पुराना मामला, 7 बार उनसे पूछताछ हो गई, कुछ नहीं निकला, और सारे देश का ध्यान अलग अलग मुद्दों से हटाने के लिए नया ड्रामा रोज लेके आ जाते हैं। किसी ज्वेलर्स के यहां क्या मिला, किसी जैन के यहां क्या मिला, ये पता। अब मतलब जितने मोदी मिलेंगे देश भर में सब मोदी जी के भाई हो जाएंगे, तो नीरव मोदी पे अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मेहुल चौकसी पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मेहुल चौकसी को तो खुलेआम देश के प्रधानमंत्री ने एक कार्यक्रम में मेहुल भाई कहा था। मेहुल भाई तो आप क्यों नहीं चलाते कि प्रधानमंत्री के करीबी मेहुल भाई ने 1,000 करोड़ रुपए बैंकों का लूटा, क्यों नहीं चलाते? जिसको प्रधानमंत्री स्वयं मेहुल भाई कह रहा है उसके बारे में कभी खबर नहीं चलेगी कि प्रधानमंत्री के करीबी नीरव मोदी और प्रधानमंत्री के करीबी मेहुल भाई ने 20,000 करोड़ रुपए लूट लिया हिंदुस्तान के बैंकों से, और विदेशों में बैठ के हिंदुस्तान को चिढ़ा रहा है। विजय माल्या 10,000 करोड़ रुपए लूट के लेके चला गया, भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से विदेश में भाग गया। नितिन संदेसरा हिंदुस्तान छोड़ के 6,000 करोड़ रुपए लेके भाग गया। 2,800 करोड़ रुपए लेके ललित मोदी भाग गया, विदेशों में बैठ के हिंदुस्तान को चिढ़ा रहा, वो भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सहयोग से गया। इन पे ईडी कब कार्रवाई करेगी? इन पे सीबीआई कब कार्रवाई करेगी? येदुरप्पा पे कार्रवाई कब करेगी? व्यापम घोटाले पे कार्रवाई कब करेगी? राफेल पे कार्रवाई कब करेगी? आप देखिए कि आप, मैंने बताया तो था पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों, 1700 रेड मारी है ईडी ने, 1700 रेड, 9 साल में 1700 रेड में 9 लोगों पर कन्विक्शन हुआ है, 0.04% कन्विक्शन रेट है ईडी का। तो एक संस्था जिसको आप सिर्फ और सिर्फ दूसरों का गला दबाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरों को अपमानित करने के लिए, उनके परिवार को अपमानित करने के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कल जो मामला आएगा, मैं अभी से कोई बात नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन आप देखिएगा, सीबीआई को तो तोता सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था, अब एक मैना निकल गई है ईडी, तो तोता मैना को अपने हिसाब से जैसे सरकार चाहती वैसे नचाती है। आप देखिएगा कैसे नाचेंगे लोग।
लेकिन मैं फिर दोहरा रहा हूं, सत्येन जैन के घर से ईडी के छापे में कुछ भी नहीं निकला और उनको बदनाम करने की एक कार्रवाई रची गई है जिसमें कामयाबी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि पहले भी ये लोग मुंह की खा चुके हैं, आगे भी मुंह की खाएंगे। हमारे तमाम विधायकों पे इन्होंने एफआईआर किया, मुख्यमंत्री पे छापा मारा, उप मुख्यमंत्री पे मारा, तमाम मंत्रियों पे छापे मार के देख चुके, कुछ नहीं मिला आज तक। और जब जब छापे मारते हैं तो कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी पकड़ लिया है, इसको तुरंत फांसी पे चढ़ाओ। तो ये तो ठीक बात नहीं है।